KTM RC 200 अब बदल चुकी है 2024 में। इसमें कुछ नई अपडेट आई हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो भी पूरा डिटेल से। लेकिन आप ये जान लो कि अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसको खरीदोगे कहां? JSB KTM रिंग रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं। आप यहां पर KTM के किसी भी प्रोडक्ट को, हस्क्वर्ना के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और हाँ, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, और मुझसे भी पहले आपको जानकारी इनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मतलब कि इनके यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से कौन सी नई बाइक्स आई हैं, उनकी प्राइस क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं भाई, इसमें अपडेट क्या आई है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जैसे ये जो आप बाइक देख रहे हैं, ये इनकी पहचान है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज आर्मी है। आप समझो कि ये ऑरेंज कलर में अगर बाइक दिख जाए तो समझो कि आप KTM है। ग्रीन कलर में कावासाकी है, ब्लू कलर में यामाहा है। तो इनका अपना ये एक कलर है और ये एक सिग्नेचर कलर मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अभी ये बाइक ऑल मतलब ब्लैक में आ चुकी है, जिसको मैं ऑल ब्लैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना इसमें ऑरेंज था अब उतना ही इसमें ब्लैक भी शामिल कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे RC लिखा हुआ है, नई फेयरिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें ये उभार दिया गया है। यहाँ पर ये ऑरेंज है, 200 ऑरेंज है, और बाकी आप जैसे देखेंगे KTM, इसको थोड़ा बड़े से लिखा गया है तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी छोटे छोटे इसमें बदलाव दिए गए हैं। बाकी आप जानते हैं इनकी टैगलाइन रेडी टू रेस, इसमें ये बना हुआ है। अब अगर दूर से अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज में सिर्फ आपको ये चेसिस इंजन पर KTM, और यहाँ पर ये ऑरेंज, इतने के अलावा आपको ऑरेंज कलर कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये ब्लैक में आ चुकी है और ये एलॉय व्हील भी ब्लैक है सब कुछ। और फ्रंट से अगर आप देखेंगे, फ्रंट से दिखाना भाई ज़रा, देखिए ये फ्रंट लुक है भाई। यहाँ पर दो DRL जो आपको पसंद आएंगे देखने में। बड़ी सी बेंड स्क्रीन है, एरोडायनामिक शेप में बनाया गया, क्योंकि आप जानते हैं रेसिंग के लिए ही प्रसिद्ध है ये KTM की बाइकें, ज़्यादातर ड्रैग रेस रेसिंग के लिए, तो उसी हिसाब से एरोडायनामिक डिज़ाइन इसका बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे फुली LED लाइट का सिस्टम आपको मिल जाता है, जो आपको 390 मतलब जो एडवेंचर है उनकी सबकी लगभग समान हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है भाई। और इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ और इधर से एक बार साइड से दिखाना। यहाँ पर आप देखेंगे KTM इस पर लिखा हुआ है, और एक बार पीछे के टायर के पास आओ भाई, ज़रा दिखाना कहाँ लिखा हुआ है इसमें टायर, देखना कौन से साइज का है। एक मिनट, 150-60 लोग तरसते हैं 140 के लिए। इसमें 150-60 R17 का भाई ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाता है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। पीछे 230 mm की ड्यूल चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिल जाती है। आगे भाई 320 mm की डिस्क ब्रेक, आगे दिखाना, 320 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और भाई 43 mm का अप साइड डाउन फॉर्क मिल जाता है, जो अपने आप में एक गजब बात है। इधर दिखा हुआ है भाई, यहाँ पर आप टायर साइज एक बार फिर से देखो कहाँ लिखा है, ये 110-70 R17। आगे भी रेडियल टायर मिल जा रहे हैं भाई 110-70 R17 का। अभी यहाँ मीटर में दिखा दो एक बार भाई, एक बार मीटर दिखाना ज़रा। ये रही पहले तो आप KTM की चाबी देखो, और उसके बाद क्लिप ऑन हैंडल बार, थोड़ा अग्रेसिव इनका पोजीशन है। इसको स्विच ऑन करते हैं और लोग कहते हैं कि यार तुम्हें हटाने नहीं देते। क्यों नहीं हटा सकता, बस मैं अपने कस्टमर्स की इज्जत करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल ABS चेक इंजन लाइट, लो ऑयल, और यहाँ पर वार्निंग की लाइट आपको मिल जाती है जैसे पहले मिलती, लेकिन बड़ा सा मीटर मिलता है जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त। ट्रिप 1, ट्रिप 2, माइल्स, किलोमीटर, जैसे आप चाहें ABS। और कहाँ है मोड और सेट की बटन, एक मिनट भाई, सेट और मोड की बटन, यहाँ देखें ट्रिप 1, ट्रिप 2, ABS, इन्फो, ठीक है। तो इतनी सारी फ्यूल रेंज, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है नहीं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें नहीं आई। बाकी टाइम और ये सारी चीज़ें, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सब कुछ लो फ्यूल ये आपको बताएगी। और एक बार इसको स्विच, एक मिनट दिखाना, ये फ्यूल रेंज भी बताएगी हाँ कि कितना मतलब फ्यूल है और कितने ये रोड मोड है। हाँ रोड मोड है, इसको आप जब की प्रेस करेंगे यहाँ से हाँ, इसके बाद ये रिलीज करेंगे सुपर मोटो। इसका पीछे का रियर जो ABS है वो ऑफ हो जाएगा हाँ। यदि आप स्टंट करना चाहते हैं या ट्रैक में दौड़ाना चाहते हैं तो इसको सुपर मोटो मोड में लगा के दौड़ा सकते हैं और स्टंट कर सकते हैं, स्टंट कर सकते हैं। और दूसरा यदि इसको कीप प्रेस कर देंगे तो डुअल चैनल ABS ऑन हो जाएगा, सुपर मोटो ABS, जिससे कि आपका सेफ्टी फीचर्स दोबारा से आपको मिलने लगेगा। ठीक, बहुत सही पांडे जी, आपके चैनल को भी बारे में मतलब शोरूम के चैनल के बारे में बता दिया है।
अभी अगर इंजन की बात करें, इंजन दिखाना भाई, इंजन में तो कोई अपडेट नहीं हुई है। जैसा आप जानते हैं KTM रेसिंग KTM ये सारी चीज़ें पहले से लिख के आ रही थी। और अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 199.5 सीसी का लिक्विड कूल फोर स्ट्रोक DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। 25 एचपी की पावर मिलती है 10,000 RPM पर। 19.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है इसमें। 8,000 RPM पर 6 गियर इसमें आपको मिल जाते हैं। और भाई अगर हम प्राइस की बात करें, भाई प्राइस बता दो आप अपने उससे। प्राइस भी बहुत रीजनेबल है हमारे यहाँ शोरूम पे। कितना? 257 ऑन रोड है। ऑन रोड सब कुछ मिला के? ऑन रोड सर, एक शोरूम इंश्योरेंस आरटीओ, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं हमारे आउटलेट पे। अच्छा, मान लो फाइनेंस किसी को करवाना है तो कितने में फाइनेंस हो जाएगी? सिविल स्कोर अपडेटेड है तो हम लोगों ने तो 20-25-25-30,000 रुपये भी छोड़ दिया गाड़ी। अच्छा जी, लेकिन यदि सिविल स्कोर अच्छा है तो, और यदि सिविल किसी का जनरेट नहीं है, पहली बार यदि लोन करा रहा है तो मान के चलिए उसका कम से कम 45,000 से 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट आता है, मिनिमम डाउन पेमेंट। ठीक। अच्छा, ऑरेंज कलर और इस कलर में कोई प्राइस डिफरेंस? सर ये यमहा नहीं है और ना ही हीरो है। ये KTM है एज ए ब्रांड, तो इसमें कोई भी कलर को लेकर के कोई चार्जेस, हिडन चार्जेस मैंने आपसे पहले भी बोला, कोई हिडन चार्जेस नहीं। माइलेज क्या क्लेम करते हैं? कंपनी करती है 52 का। 52 200 सीसी में? हाँ 52 सीसी है ये सर, 52। लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर फीडबैक जो आया है वो 38-40 का निकाल रहे हैं। BS ब्रांड ये जो अभी गाड़ी आई है E20 वाली, OBD2 तो ये OBD2 जो आई है E20 मॉडल्स, ये 38-40 का एवरेज दे रही है, कस्टमर फीडबैक है। नहीं तो पहले वाली जो RC 200 थी ना वो 28-25-30 लोग परेशान थे। लेकिन KTM जैसे लेने के बाद जी कोई आराम से चलाता नहीं, आप ये जानते हैं? वो मैं जानता हूँ, ये रेसिंग मशीन है बहुत। हाँ, क्योंकि जैसे ये जब हाथ में आता है ना तो उड़ाने का मन करता है। ये फील है यही तो कह रहे हैं, यही तो KTM यूथ की पसंद क्यों है। KTM इसका पिकअप टोटल रिस्पॉन्स जो है, टोटल बहुत रिस्पॉन्स बहुत क्विकली मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को ये KTM पसंद है। नहीं तो इसके अगेंस्ट में आपकी यमहा भी तो है, लेकिन लोगों को पसंद क्यों नहीं आती? ये 200 सीसी की बाइक 400 सीसी का एक्सपीरियंस देती है, क्यों? तो आप समझिए KTM इज बेस्ट। तो आज की यूथ का ड्रीम है KTM। अगर कोई बाइक पॉइंट नाम लेके आए तो क्या कुछ कम हम करूँगे? मे बी आप वहीं देख कर बताएं कैमरे में, क्योंकि वहाँ लोग आपसे पूछेंगे। देखिए मैंने तो रेट तो फिलहाल आपको रिजनेबली लगा दिया है, आप आए हो तो मैंने वही रेट लगाए हुए हैं 257, लेकिन आएंगे तो कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक, आपका नाम भी खराब होगा। ठीक, अब मैं स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। वाओ, तो आपने इसका साउंड सुना जो कि सुनने में मजा है। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये चीज़ मुड़ जाएगा भाई, ये चीज़ मुड़ जाएगा। पहले नहीं आता था लेकिन ये मुड़ता है भाई, गजब, बहुत अच्छा। इधर दिखाना, इधर भी मुड़ता है भाई, ये देखो, ये चीज़ इन्होंने दी है कि अगर आपका गिर भी जाता है तो टूटने का कोई मतलब ही नहीं, कोई चांस नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये बाइक इसकी, हाँ अपडेट मैंने नहीं बताई, देखो इसमें कलर का अपडेट हुआ, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और थोड़ा जैसे ये मैंने फुटरेस्ट, गियर पैडल, इन सब में आपको दिखा दिया। आपको ये बाइक कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।